छिंदवाड़ा के देहात थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश किया है। बीते दिनों सारंग विहार निवासी मनोज पिता राधेश्याम सोनी थाना मोहखेड़ ने शिकायत की। वह गुरैया सब्जी मंडी में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता है, जहां से उसकी मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। बता दें कि पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में वाहन चोरी, धोखाधड़ी, ठगी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार उइके एवं नगर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन के चलते देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह पर अवधेश पिता अर्जुन चोरिया उम्र 21 साल निवासी नीलकंठी कला को हिरासत में लिया गया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अवधेश से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी अपने 3 सहयोगी के साथ मिलकर नागपुर तथा छिंदवाड़ा से 10 वाहन चोरी कर चुका है, जिसके पास से पुलिस ने वाहन जब्त कर लिए है। वही इन वाहनों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों से अन्य चोरी की जानकारी ली जा रही है। दरअसल कुछ समय पूर्व से एक महीने और 2 महीने के दरमियान में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, जिस बात को लेकर के प्रकरण संज्ञान में सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आया और उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थाना देहात के प्रभारी के नेतृत्व में, और उस टीम द्वारा आज दिनांक तक आरोपियों से पूछताछ कर 4 आरोपी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ के दौरान 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और इन सभी मोटरसाइकिलों की तस्दीक की गई है, जो विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं। 2 महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल चुराई गई थी, उनको भी बरामद कर लिया गया है, और एक बालिग आरोपी है जिसका नाम अरविंद जोरिया है, और इसके बाद 3 अपचारी बालक हैं। सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है और इनसे अग्रिम पूछताछ भी की जा रही है कि कुछ और संभावित चोरियाँ यदि खुलासा संभव हो उन पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।